Hello everyone, welcome to the Study Quota. Today we are going to start with the topic that is distance and displacement. यहाँ आप देख रहे हैं एक डायग्राम बना है जहाँ आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे ए और बी। मान लो कोई पर्सन है, उसको ए से बी तक जाना है, तो यहाँ पर आपको कितने पाथ दिख रहे हैं, सिक्स पाथ दिख रहे हैं कि सिक्स में से वो एक चूज कर सकता है ए से बी तक जाने के लिए। ओके, पर आप इसे गौर से देखेंगे, इसके पाथ की लेंथ को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सेकेंड और फिफ्थ वाले पाथ को छोड़कर आपके सारे पाथ की जो लेंथ है वो क्या करती है, वो डिफर करती है। ठीक है, अगर वो किसी भी एक पाथ को चूज करेगा तो वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ को कवर करेगा ए से बी तक जाने के लिए। ए आपका क्या होगा, ए से वो चल रहा है इसलिए ए को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, बी तक जा रहा है इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल पॉइंट कहेंगे। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, ए और बी अगर सेम है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो आपके पास डिफरेंट पाथ हो सकते हैं या आप डिफरेंट पाथ की लेंथ ट्रेवल करके सेम इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जा सकते हो। ओके, इसको आप याद रखना। अभी हम देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, मतलब वो पाथ कौन सा है जहां से आप ए से बी तक जा सकते हैं और आपको सबसे कम ट्रेवल करना पड़े, तो आपको पता है वो कौन सा पाथ होगा, वो आपका होगा फोर्थ वाला पाथ। ठीक है, जो फोर्थ वाला पाथ है वो आपका क्या देगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको ट्रेवल कराएगा ए से बी तक जाने के लिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक्चुअली में होता है कि आप जिस भी पाथ पर ट्रेवल कर रहे हो उसकी एक्चुअल में लेंथ क्या है। मीन्स आप यहाँ पर सिक्स पाथ है डिफरेंट डिफरेंट, तो आपका क्या हो जाएगा कि आप जिस भी पाथ को फॉलो कर रहे हो, सिक्स में से कोई भी पाथ आप फॉलो कर रहे हो, तो उस पाथ की जो लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ए से बी तक जाने में आपका, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करेंगे तो उनकी लेंथ भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि आपका जो दो पॉइंट है, मतलब जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, उनके बीच में बहुत सारी डिस्टेंसेस हो सकती हैं। मतलब दो पॉइंट के बीच में या सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आपकी डिफरेंट डिस्टेंसेस हो सकती हैं। ठीक, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो पाथ टेकन पे डिपेंड करती है। अगर हम पाथ को चेंज कर देंगे तो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके जब भी हम डायरेक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हमें उसके लिए किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम SI यूनिट की बात करें तो हमने पढ़ रखा है कि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। तो लेंथ ही तो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी बेसिकली क्या है, एक लेंथ ही है। किसकी लेंथ है, पाथ की लेंथ है। तो इसको भी हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में ही मेजर करेंगे। अगर सीसीएस की बात करें, जो स्मॉलर यूनिट की बात करें, तो आपका क्या होता है, तो आपका सेंटीमीटर होता है। आगे हम बात करते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो उसके लिए जो वैल्यू है डिस्टेंस की, ना तो वो कभी जीरो हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है। ठीक, अगर मान लो डिस्टेंस आपको जीरो दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि आपने ऐसा तो कभी सुना ही नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है लेकिन उसके पाथ जो वो पाथ ट्रेवल कर रहा है उसकी लेंथ जीरो है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर लिखा है कि डिस्टेंस जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, वो कभी भी डिक्रीज नहीं करती। कैसे, मान लो आप किसी भी पाथ पे चल रहे हो तो पाथ की लेंथ तो इंक्रीज ही करेगी ना, पाथ की लेंथ तो कभी घट नहीं सकती। जैसे जैसे पाथ ट्रेवल करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, तो जो पाथ आप ट्रेवल कर रहे हो उसकी, या जिस पाथ पे आप ट्रेवल करो उसकी लेंथ इंक्रीज करती जाएगी। इसलिए डिस्टेंस भी हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती। ओके, आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, मान लो कोई भी एक लेजी पर्सन है,
वो क्या करता है, शॉर्टकट ढूंढता है। तो ये जो शॉर्टकट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो शॉर्टकट होता, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन इसकी क्या होगी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ओके, मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, जहां पे खत्म कर रहे हो, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से आप एक बात बताओ, शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे कम है, क्या वो चेंज होती रहती है? शॉर्टेस्ट तो कभी चेंज नहीं होता ना, शॉर्टेस्ट का कहने का मतलब ही है कि उससे छोटा कुछ नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन कैसे होती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो आपका शॉर्टकट होगा, अब कहीं से भी तो शॉर्टकट नहीं ले सकते है ना, तो आपका स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जैसे आप रूम की बात करें, रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको जाना है, तो आपका शॉर्टकट क्या होगा, जो डायगोनल है, डायगोनल तो आपका एक ही है ना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब दो कॉर्नर के बीच में तो एक ही डायगोनल होता है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही है ना डायगोनल, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को जब भी हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट को जब भी बताते हैं, तो उसके साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, वो कैसी क्वांटिटी है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। या हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, या डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो आपकी डिस्टेंस होती है उसको ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो आपका पाथ लेंथ ही है, एक तरह से तो लेंथ ही है, शॉर्टेस्ट है लेकिन लेंथ है, तो उसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। सीसीएस की बात करें तो सीसीएस भी क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी पाथ टेकन पे डिपेंडेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता, कि मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना दो पॉइंट के बीच में, आप किसी भी पाथ से जाओ उससे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, कि आप कहाँ से चल रहे हो, मतलब आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, और आप कहां तक जा रहे हो, मतलब फाइनल पॉइंट क्या, क्योंकि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट बदल जाएंगे तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी बदल जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बदल जाएगा। लेकिन अगर हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को फिक्स रखते हैं, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होती, इसलिए उन दोनों पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहता है। ओके, आगे हम बात करते हैं, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, जीरो कब होता है, जीरो आपका होता है कि आप जिस पॉइंट से चल रहे हो लौट कर उसी पॉइंट पे आ जाते हो, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो आपकी सेम है। ठीक, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो होगी, तो उस केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ठीक, पॉजिटिव तो सीधी सी बात है कि आप जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे उस डायरेक्शन में आपके कुछ ना कुछ वैल्यू है इनिशियल पॉइंट से, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव की बात सुन लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है, मान लीजिए आप स्टार्टिंग में कहां जा रहे थे, ईस्ट की तरफ जा रहे थे। ठीक, ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ये पॉइंट मान लो ओरिजिन है, आप कहां जा रहे थे, ईस्ट की तरफ जा रहे थे, लौट कर आप कहां जाते हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं, इस पॉइंट को पार करके। ठीक, इस पॉइंट से निकल के आप वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर मोशन की जो स्टार्टिंग डायरेक्शन थी उससे आप अपोजिट डायरेक्शन में है, आपका जो फाइनल पॉइंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। ओके, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ओके, फिलहाल आपको ये जानना है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है, जब आपकी जो फाइनल पोजिशन है या फाइनल पॉइंट है वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट में लाई करता है। तो ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नाइन्थ के एग्जाम की बात करें या स्कूल के एग्जाम की बात करें तो जनरली ये पूछा जाता है कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताओ। तो पहला डिफरेंस तो आपका बहुत कॉमन है, आपको क्या करना है, दोनों में डेफिनेशन लिख देनी है। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, जो आप पाथ लेंथ ट्रेवल कर रहे हो या जो आपकी एक्चुअल पाथ की लेंथ है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट आपका क्या होता है कि आपका डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ टेकन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंडेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन। ओके, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड हमने क्या देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव और दैट कैन ऑल्सो भी जीरो। ओके, तो यही हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों ही होता है फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला सीधा सा है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी डिक्रीज नहीं करती। अभी ऊपर देखा था क्यों डिक्रीज नहीं करती, क्योंकि जो आपका पाथ लेंथ है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि जो आप पाथ ट्रेवल कर रहे हो वो तो बढ़ ही रहा है, तो उसकी लेंथ भी बढ़ती ही है, कभी भी घटती नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो वो क्या हो सकती है, वो तो चेंज हो सकती है ना। मान लो आप जैसे जैसे इनिशियल पॉइंट के पास आ रहे हो, ठीक, तो क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, तो इसका क्या सीधा सीधा मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, आई गेस आपको यह समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।